नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम हैं अजमेर शरीफ और हमने ये सोचा कि हम जितने दिन भी हैं यहाँ पे दरगाह पे ज़ियारत करने ज़रूर जाएंगे। और हमारे साथ हैं हमारे भाई अबरास, और भी बहुत सारे दिग्गज हैं यहाँ पे। तो ये था बॉयज़ रूम, बहुत बड़ा था और इसमें दो बेड है और चार लोग थे हम। तो अभी देखते हैं लेडीज़ क्या करके ले चलते हैं आपको वहाँ पर। तो रूम का हाल अब देख ही सकते हैं इन्होंने क्या कर रखा है, और मुझे नहीं लगता कि आगे से इनको कोई रूम देगा। सारी पैकिंग हो गई है यहाँ की, तो भैया लेडीज भी हो गई है रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, ये है लेडीज का रूम, तो फुल रेडी। हाँ बच्चे, हाँ तो ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा तो पिछले 10 दिन से मैं दबा के खा रहा हूँ। आपको शर्ट दिख रही है मेरी, मतलब कि कुर्ता दिख रहा है, टाइट हो रहा है। और पीछे से एक व्यूज लेने आ गया है फोटो में कि मैं भी दिख रही हूँ कैसी लग रही हूँ। चीकू अपने टॉय यहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, मारू माल मोबाइल देख ले। चलो भाई चलो यार, क्या हो गया। और तो भी ना यही ड्रामे रहते हैं निकलने के लिए कि बस उनको इंसान ही खींच सकता है। सुनो पायल, एक काम करो, तुम दो और चीकू इसके साथ थोड़ा साइड में चलो, और हम लौंडे लौंडे साइड में चलते हैं। सारे एक साथ चलेंगे ना, भीड़ हो जाएगी, पब्लिक रोकती चलेगी फिर, ठीक है ना भैया। ये है अजमेर शरीफ की गलियां, बहुत ही सुंदर सुंदर, और हमारी टीम उधर जा ही रही है, आपको दिख ही रही है पायल। हाँ भाई, तो बहुत पीछे पब्लिक हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है अभी। तो चीकू हमारे हाथों में है क्योंकि ये थक गया है चीकू, और सब लोग साथ हैं पीछे, पूरी टीम, कुछ लोग आगे हैं। तो सामने दरगाह है और बच्चे हमारे साथ हैं सब लोग, है भाई। ठीक है गाइस, भाई को देखिए गाइस, लोग पागलों की तरह रास्ता दे रहे गाइस। देखिए भीड़ फिर दोबारा से कल इतनी भीड़ थी, और आज फिर ऐसे ही भीड़ हो रही है। देखिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, कल की तरह ही भीड़ है, कल से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि लोगों को पता था रोमाल भाई यहीं पे है, वो दोबारा से आए और फिर भीड़ हो चुकी है। रोमाल भाई अब दोबारा जा रहे हैं, इधर आओ इधर इधर, ध्यान से ना भाई, चीकू के साथ ही सचिन, चीकू के साथ है। देखिए गाइस, लोग इनको अभी भी नहीं छोड़ रहे, बहुत सारी पब्लिक है। तो ये है हमारे दादी अजमेर शरीफ से, और पिछले 9 सालों से हम यहीं आ रहे हैं, तो अपनी आवाज़ में आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे। ये दरबार है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल हिंदल वली हुजूर गरीब नवाज का, और यहाँ बारगाह में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम हाजिर दरबार होते हैं ख्वाजा से, और गरीब नवाज से में अपनी दुआएं, अपनी मन्नत पेश करते हैं, जो गरीब नवाज कबूल फरमाते हैं। ये हमारे वसीले से हैं अरमान भाई, काफ़ी 9-10 साल से इनसे रिश्ता है, और ये बारगाह में जब से आ रहे हैं, और गरीब नवाज ने इनको खूब नवाजा है ख्वाजा से यहाँ पर, और ये हमेशा बारगाह गरीब नवाज में कई सालों से आ रहे हैं। तो आज इनको पता था कि मुझे आना, पर इनको ये नहीं पता था कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ। हाँ। भीड़ हमें रुकने ही नहीं देगी कहीं, क्योंकि असल में टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह जो है बच्चे देखते हैं, तो मेरे बच्चे ने, छोटे वाले ने कल परसों लगाया था यूट्यूब पे,
समझे, तो मैंने कहा यार इतने सारे वीडियो चल रहे हैं इनके, समझे। तो बस तो ये करम है अजमेर शरीफ का और सब कुछ नवाजा। हाँ बिल्कुल, यहीं से हम बुलंदी अता फरमाई और गरीब नवाज इनको और बुलंदी अता फरमाए, इनकी फैमिली खुश आबाद रहे, आमीन, इनके आमीन। बच्चे चीकू का नेक नसीब हो, इन्हें खुशियाँ अता फरमाए गरीब नवाज। हाँ और मैं बता देता हूँ चीकू की भी यही की दुआओं से, दुआओं से है बिल्कुल। आजा साहब मैं फर्स्ट टाइम हाजिरी देने आया था। हाँ माशाल्लाह, बस मैं यही बोलूँगा आप जब भी आएँ कभी साहब से मिले, मैं इनका नंबर डालूँगा मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट में यूट्यूब पे, तो आप जब भी अजमेर शरीफ आएँ तो इनसे ज़रूर मिलना, आपको बहुत सुकून मिलेगा और मज़ेदार से दर्शन होंगे अच्छी सी दुआओं के साथ। तो हम अभी अजमेर शरीफ के अंदर ही हैं और जहाँ पे हमारा भोजन चल रहा है, आप यहीं पर भोजन करेंगे और ये मज़ार है। तो ये अजमेर शरीफ का अंदर का नज़ारा है, जितने लोग हैं ज़ियारत भी कर लें और बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए सब लोग, टीम थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई अभी इस बारी और कवि साहब है ही हमारे साथ। ये लंगर है गरीब नवाज का लंगर है, जो दर पे जो भी खाया जाता है चाहे चाय पी जाए। हाँ पी लीजिए, ख्वाजा साहब का लंगर है, प्रसाद है। हाँ बस, तो मज़ेदार से लंगर हमारे लिए आ गया है, वहाँ पे दाल है, वहाँ रोटी है और पूरी टीम हमारी ग्रहण कर रही है खाना। क्या कुछ नहीं, चलो भाई चलो बेटा पढ़ो। देखिए गाइस ये है अरमान भाई के चाहने वाले, कैसे भीड़ लग चुकी है, बड़ी मुश्किल से होगा था और लोग आ ही जा रहे हैं और एक अम्मा जान भी थी काफी उम्र के, वो चले गए। ये भी इनके फैन है, देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए कैसे लोग आ रहे हैं और हम लेट भी हो रहे हैं लेकिन हम फिर अरमान भाई फिर भी टाइम दे ही जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, हमारे फैन है तो फैन के साथ ही कर रहे हैं। चीकू भाई पर अंदर ही होंगे, देखिए बहुत भीड़ लग चुकी है और आपसे चाहने वाले भाई के बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम आ रहे हैं गुप्त रास्ते से, है भाई गोलू तो फंस गए थे हम भीड़ में और गुप्त रास्ते से आ रहे हैं इधर से पीछे से। चलो चलो चलो, चीकू का है चीकू। तो भैया बहुत भीड़ है पीछे और हम फंसे से आ रहे गलियों में से क्योंकि मेन रास्ते से हम आ नहीं पाए। हाँ भाई जी, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, भागने में हम भाग ही जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम भाग ही जा रही है। हम शॉर्टकट गलियों से आ रहे हैं, बहुत ही दिखा दो मारे हम आए हैं यहाँ से प्रिंस आबाद है बोलो, तो हम शॉर्टकट मार गए हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा हमें, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और क्या करें, समय का तकाजा है, हमें बहुत जल्दी जाना है। भैया थक गए हैं हम और हमारे साथ पूरी टीम देख रहे हो, तो नमस्ते बाय बाय सबको। चलो भाई चलो, सपना पकड़ लिया। अरे भैया बाहर भेजो सबको, आज चलो खड़े हो गए से ले लो सारे, यहां चलो दे दो कोई बात नहीं। बच्चा क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं आज, पता है क्या हुआ, वहाँ पे तीन चार बच्चे खड़े थे तो तीन चार बच्चों को सेल्फी ली, तो मैंने ना ऐसे बच्चों को कहा चलो बेटा ओके मम्मी बुला रही, चलो चलो लड़के बाहर आ जाओ भैया, हेलो चलो। हाँ यार तुम्हारा तो भाभी के बिना दिल ही नहीं लगता, 24 घंटे यही मिलते तुम तो यार, बच्चे करके रहना पड़ता, बच्चे को ले लो बच्चे। चलो तो भैया पूरी टीम रेडी हो गई है दिल्ली जाने के लिए और बस आने वाली है, सामान भी आ गया सारा, एक ही आईडी दे रखी थी क्या हमने, एक ही आईडी थी। बहुत बढ़िया, अच्छी को कुछ खाया, कुछ खाने क्या खाने, कुछ भी इसने तो कुछ खाया नहीं होता लगता मुझे ना। तो भैया फोटोशूट चल रहा है पायल और गोलू का और हम थोड़ा साइड में रहते हैं। तो भैया ये है अपनी ड्रेस जो बस में जाएंगे आराम से बैठ के, और शोर हो रहा है ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, आपको पागल बना देना। मैं क्या
ये रात को सो नहीं रहा था, मैंने कहा था मैं खिलौना लेके दूंगी। दुकान सब बंद है आज, नेशनल हॉलिडे है टॉय की, बंद है आज। पागल मत बनाओ मुझे, आज जिस बच्चे ने खिलौना लिया। मेर की आन शान बान हमारे भाई जान शामिर भाई, इसको जानते हो आप? इसको जानते हैं? कैसे भैया? बहुत बढ़िया आप ना, ये पायल है। तो शामिर भाई हमारे बहुत ही अजीज भाई हैं, मतलब अजमेर शरीफ में आए, इनसे ना मिले ना अधूरा रह जाता। सुबह मैंने कॉल किया था पर सो रहे हैं क्योंकि इनकी रात दिन में तब्दील है, सच बात है। ठीक हो, नमस्ते करो। हमारे शामिर भाई अजमेर शरीफ से, जब एक होता ना कि बुरे टाइम के लोग हमेशा साथ रहते हैं, नहीं देखो याद रहना चाहिए। तो शामिर भाई बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जब इंसान का बुरा टाइम होता है ना जो लोग साथ रहते हैं जो उनमें से, अच्छे टाइम में तो क्या कहने, अच्छे टाइम में नहीं होते पर बुरे टाइम में खड़े रहते हैं इंशाल्लाह। ठीक है शामिर भाई, चलते हैं भाई। चलो भाई इंशाल्लाह, टाइम निकाल के आओ थोड़ा। हां आओ चंडीगढ़, मैं वेट कर रहा हूं अपना दिनों का। लो ना वीडियो, चल रही वीडियो में से ले लेंगे। तो भैया टीम पूरी रेडी हो गई है। ठीक है दादा, नमस्ते। चलो ध्यान रखो, है चलो। कहाँ से आ रहे हो? फोटो ले लो। अच्छा फोटो, ध्यान से ध्यान से। तो मजेदार चाय आ रही है, तो चाय पी लीजिए सब लोग। चाय दे भाई। क्या हुआ? कह रही हूँ हमारे पास कैश है, मैंने क्या पता नहीं देने। भाई गूगल पे फोन पे है। तो भैया चीकू है नाराज सबसे। चीकू बारिश चले, हाँ नाराज हो गया, टॉय नहीं मिला। मुझसे नाराज हो क्यों भाई? कुकर में हम दाल चावल भी देते रात को, चाय के बाद दाल चावल। तो चाय पीने वाले इतने लोग हैं यहाँ पे। ड्रामे खत्म कर, चल बस आगे चलो। अच्छा चलो आगे, बस बस आ चुकी है। चलो भाई चलो चलो, सामान उठाओ अपना सारा। चलो भाई चलो, सामान निकालो भाई सारा। भैया सामान वामान निकाल लेते हैं हम सारे और निकलते हैं बस की तरफ। चल बस तो देखते अंदर से, चल बैग तो चेक करूं पहले। अच्छा सारे बैग्स मुझे बताना कितने लाए। अच्छा सारे, तो जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, नमस्कार। चलो ध्यान रखना, चलो जी बाय बाय, टेक केयर। अरे प्रिंस ये वाले बैग ले लो, चलो चलो चलो। तो भाई ये सब लोग अपनी टीम है, 9 लोग ये बस समझ लो हमने लैपटॉप ले लिया क्या। चलो फिर चलो भैया, सबको नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मिलते हैं। ठीक है मिल जान, चलो जी राम राम, चलो मिलते हैं। बाय 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 सबको, बाय बाय। चलो मैडम, चलो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, चलो फटाफट आ जाओ। गाइस बहुत ही मजेदार बस है हमारी और हम आ गए हैं बस के अंदर। एक के अंदर थोड़ी आ जाओगे तुम, सारी फैमिली के अंदर सोएगी। हाँ हाँ, तो बहुत ही मजेदार सी सीट है और घर वाले कह रहे हैं आगे से हम बस में आएंगे। हाँ हम तो बस में आएंगे, गाड़ी में नहीं आएंगे। तो सब लोग आगे क्या? चलो 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 शाबाश। कहाँ जा रही तुम दोनों? पायल सही है बोलो। चीकू मम्मी वहीं रहेगी, तू यहीं रह। नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं, लास्ट की दो छोड़ के बाकी सारी अपनी है। ठीक है फिर। नहीं नहीं ये सारी हमारी है ना, इधर उधर की सब हमारी है। ये हमारी नहीं है क्या? हाँ भाई नीचे आ जाए, नीचे आ जाए इधर। चीकू के पास गोलू मजा आया, ट्रेन से ज्यादा वो लगे नीचे गिर जाएगी, नीचे आ जाए चुपचाप। गुड्डू एक बार बोलू, आगे से हम इसमें आए करेंगे गोलू बस में। हाँ बस से अच्छा मजा आएगा, एक तो आप भी नहीं थकोगे और हम भी नहीं थकेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो पहली बार बैठी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसमें नहीं बैठी कभी। भाभी भाभी काले बैग में रह गया खाने का। भाभी हाँ जी कैसा लग रहा है? पानी पूरी ले लेना, रास्ते में रुकेगी नहीं फिर। इनसे पूछो ना आगे कहाँ रुकेगी। पानी बोतलें ले आओ दो चार। तीन तीन बंदे नहीं सो पाएंगे, दो दो बंदे सो पाएंगे। देखना चीकू को देखना, इधर हूं मैं। इसकी 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 थोड़ी सी कोई सीट है। क्या कह रहे हो? दीपक के इधर, दीपक बैठा कह रहे मम्मी तीन तीन बंदे नहीं सो पाएंगे, दो ही बंदे सो पाएंगे। सही तो कह रहे हो। तीन तीन बंदे नहीं सो पाएंगे, दो दो बंदे सो पाएंगे। तो आप बंदे थोड़े अपने बच्चे हो, फिर मत जाइए। बोलो ध्यान से कभी। पर्स चीकू आपका पर्स कहाँ है? मैं रखा पीछे। हमारे पास तो बड़ा सारा सामान है।
तो बहुत ही मजेदार सी बस लगी मुझे और आराम से सो के जाएंगे चंडीगढ़ तक। मेरे पैर लंबे हैं। ट्रेन से तो ठीक है, बोलू पैर नहीं आ रहे। चीकू सही है, सो नहीं पा रहे, तीन है ना। सुनो मैं क्या सोच रही हूँ यार, कोई एक्स्ट्रा सीट है? इतने तीन भैया को यहाँ बेच के आप दो में आ जाओ ना। कौन दो में? नहीं सो पाऊंगी मैं। मैं तो ठीक हूँ। ये तो ये फिर मैं सिंगल में चली जाऊँ नीचे? अच्छा सही है ना। एक और बुक करनी थी क्या मुझे? मैं एक सिंगल में चली हूँ। क्यों पूछो, एक बस और एक खाली है क्या? ऐसे तो सो नहीं पाएंगे बेटू, रुक जाओ पूछता हूँ। अगर नीचे की बैटरी है बंद करके खोना कह रहा, बंद कर दरवाजा। अच्छा पापा से दूर आपके सामने है जो पापा भी है। गिर गुड़ जाएंगे पर चोट लग जाएगी। चलो बंद कर लो। इनकी सीट झुंझुनू तक है। अभी हरी झुंझुनू तक है। ये 500 रुपए में यही है क्या? 700 रुपए 500 भी क्यों? उनको कह दो झुंझुनू तक बैठ जाएंगे। हेलो अभी हिसाब दे आगे हिसाब लो अभी भाई। हां आ जाओ हिसाब किताब दो सारा। चीकू आना मेरे पास आना। कह रहे हाँ पापा बोला। नहीं बोला, हाँ बोला ना बोला। तो भैया बहुत ही मजेदार सी बस है और मजा आ रहा है, पूरा शांत है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी सफर बाकी है, बाकी की वीडियो दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे।